थैंक यू सो मच ऑल। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कल मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग इस समय टॉपर्स स्ट्रेटजी पे हैं, यानी कि एक होता है मुझे यूपीएससी में सिलेक्शन लेना है, पर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उन लोगों से, उन विजेताओं से जिनके अंदर ईगरनेस है कि उन्हें टॉप करना है, उन्हें जो है वो अच्छी रैंक लेकर आनी है, उन्हें अपने आप को जो है वो इतिहास बनाते हुए देखना है, तो मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो हम लोग आप भी स्ट्रेटजी पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रेटजी पे बात करें तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरह से, तो मैं उसी के अंतर्गत जा रहा हूँ जहाँ मैं चीज़ों को लिंक करना आपको सिखा रहा हूँ कि आपस में लिंक कैसे करते हैं, एक एक बात का मतलब क्या होता है। और अभी तक आप लोगों ने अगर पीछे की बातों को सीखा होगा मेरे साथ, तो मैंने इसमें आपको बताया कि जिस भी शब्द का इस्तेमाल करें, जिस वर्ड का इस्तेमाल करें, उसको सही मामले में समझने की कोशिश करें। और आप लोगों ने मुझे फीडबैक दिया, अपने जो नोट्स मुझे भेजे मेरे व्हाट्सएप पे, और वहां से मुझे ये लगा कि आप लोगों के अंदर एक बहुत ही क्रिएटिविटी है, एक बहुत ईगरनेस है जानने का। और आपने बताया कि सर हमने इन चीजों को पहले पढ़ा था लेकिन इनके ये डायमेंशंस हमें पता नहीं थे। लगातार दोस्तों मेरी यही कोशिश है, राइट। तो इस पूरे कंडीशन में हमारी मेरी लगातार यही कोशिश है कि आप हमेशा नई चीजों के बारे में जानें और उन्हीं चीजों को समझें जो बेहतरी आपके लिए बेहतर तरीके से काम करेगी। तो मैंने इससे पहले आप लोगों से कल लास्ट टाइम कहा था कि ज्योग्राफी, सोसाइटी, इकोनॉमी ये एक साथ जो है वो लिंक करती हैं, राइट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से लिंक करती हैं। तो हमें ये समझ में आया कि आखिर आप किसके लिए काम करोगे। आप एक अधिकारी के रूप में आज आप सोचें, थोड़ी देर फील करें कि आप एक अधिकारी हैं, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें और अपने आप को एक ऑफिसर के रूप में फील करें, राइट। थोड़ी देर मेरे साथ ये प्रैक्टिस करें। और आपने अभी तक अपने समाज को जिस रूप में देखा, थोड़ी देर बिल्कुल मेरे साथ सब कुछ भूल जाइए, मैं आपको बहुत डेप्थ में लेकर जा रहा हूं, बहुत ही डेप्थ में। अब तक आप मेरे साथ जो चीजें कर रहे थे उससे भी कहीं ज्यादा डेप्थ में आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको लेकर जा रहा हूं। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करिए और फील करिए कि आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और अब आप फील्ड में जा चुके हैं। अब अपनी जो भी उम्र हो, 22 साल, 23 साल, 21 साल, जो भी आपके, आप फील्ड में हैं और आपके अंदर एक परिवर्तन की आग है। आप किसी एक उद्देश्य के साथ इस सेवा की आपने तैयारी की थी और वो आपने एग्जाम को क्रैक कर लिया, अच्छी रैंक से क्रैक किया है, आपने लवासना में अपनी ट्रेनिंग पूरी की और अब आप समाज के बीच में हैं। बिल्कुल जैसे मैं विजुलाइज कर रहा हूं वैसे आप विजुलाइज करिए। आप अपने अपने हिसाब से मुझे मैसेज करें कि वो समाज का वो कौन सा हिस्सा है, वो कौन से चीज है जिसके लिए आप काम करना चाहेंगे, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महिलाओं की सशक्तिकरण हो, अपराध को रोकना हो, भ्रष्टाचार को रोकना, वो मुझे आप बताएं कि आपका वो कोर थीम क्या है आज की डेट में, जिसके लिए आप भारत के निर्माण में आपको लगता है कि ये अवरोध हो सकता है, ये बाधा हो सकती है, ये एक रुकावट है और मुझे इस पर काम करना है। वो कौन सा सेगमेंट होगा आपके लिए, प्लीज मुझे बताएं ताकि हम लोग उस पर जो है वो जा सकें। नेक्स्ट, मेरे साथ आप काम करें, मेरे साथ बताएं, प्लीज मुझे जो है वो राइटिंग में दें। गुड। एजुकेशन बहुत बड़ा सेक्टर है बेटा, आप लोगों ने लिखा एजुकेशन। एजुकेशन में किस पे आप, बच्चों के उस पे, ग्रामीण बच्चों के उस पे काम करना चाहते हैं, माध्यमिक सेवा पे काम करना, उच्च शिक्षा में काम करना, किस पे आप काम करना चाहते हैं? आपके दिमाग में दर्द क्या है, आपके दिलों में दर्द क्या है कि बेसिकली हमें किसके लिए काम करना है, कौन है वंचित जिसको मुझे उसका हक दिलाना है, उसके बारे में आप बात करें। किशन ने लिखा है कि चाइल्ड लेबर के बारे में मुझे काम करना है, बहुत बढ़िया। ज्यादातर लोगों ने एजुकेशन लिखा है, यानी बहुत गंभीरता से आपने समाज की प्रॉब्लम को समझा ही नहीं। एक्चुअली में आपने गंभीरता से कभी विचार ही नहीं किया आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। मैंने डे वन से आपसे कहा था जिसके पास इस प्रश्न का जवाब नहीं होगा वो उसके लिए सफर बहुत मुश्किल होना चाहता है कि मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूं। आपने बस ऐसे बोल दिया, ओजांग सर ने जो है क्वेश्चन पूछ लिया तो मुझे इसका जवाब देना है, कभी आपने इस पर विचार ही नहीं किया कि मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूं। ठीक है, किसी दिन आप कहेंगे तो मैं फेल क्यों होते हैं इस पर मैं एक सेमिनार ले लूंगा। आपको जानना बहुत जरूरी है आप फेल क्यों कर जाते हैं, और उसमें से एक बहुत बड़ा कारण यही है क्योंकि आप जानते ही नहीं आप किसके लिए काम कर रहे हैं, आपका उद्देश्य आपको नहीं पता है। और उद्देश्यहीन व्यक्ति जो होता है वो वैसे भी कहीं नहीं पहुंचता है, वो सिर्फ निरर्थक होता है पूरी तरीके से। ठीक है, तो आपके अंदर अगर वो बात नहीं है, जैसे एजुकेशन बोल दिया जल्दी, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, क्या बालकों का एजुकेशन या बालिकाओं का एजुकेशन, मेल एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन, क्योंकि आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने जा रहे हैं ना। आप एजुकेशन मतलब आप समस्त जो है वो ब्रह्मांड की जो है पूरा हायर एजुकेशन से लेकर सब कुछ आप जोड़ देंगे, नहीं। इसका मतलब अगर आप अपनी बात को कह पाने में स्पष्ट नहीं है तो जिन लोगों ने भी इसको बहुत हल्के में लिया है ना,
उन्होंने, आप समझ लीजिएगा, आगे चलकर उनको बड़े हल्के में ले लिया जाएगा, यूपीएससी आपको बड़े हल्के में लेगा, आपको पता ही नहीं कि आप क्यों जो है सर्विस में। मुझे आज पता चल गया कितने लोग जो है वो यूपीएससी की तैयारी, आईएएस तो बनना चाहते हैं लेकिन उसको कितनी गंभीरता से समझ रहे हैं, वो मुझे आज समझ में आ गया। अब जैसे एक ने लिखा है कि आईएएस बनने के बाद हम देखेंगे, तो नहीं हो पाएगा। नहीं भाई मेरे, ठीक है, दो तरह के ब्यूरोक्रेट है, एक वाला होता ना जिसको वो फर्जी आंकड़ों में पकड़ा जाता है कई बार फर्जीवाड़ी करते हुए, जिसको गालियां लोग देते हैं कि अरे भ्रष्ट है, चोर है आईएएस होगा, तो एक वो भी होता है, एक वो भी होता है जिसको लोग पूछते हैं, जिसको जो है लोग अपनी डीपी पे लगाते हैं, वो भी आईएएस होता है। तो आपको तय करना है कौन सा बनना है। ये जितने भी है ना कि बाद में सोचेंगे, अभी सोचा नहीं है, अभी तो हम आईएएस बन जाए फिर देखेंगे, तो पहली बात तो इनका पहले डाउट है कि ये अंदर जा, क्योंकि एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एक समय आप अकेले हो जाएंगे। मैं भी आपका साथ छोड़ चुका हूंगा, आपके माता पिता साथ छोड़ चुके होंगे, एक ऐसा समय आएगा जब आप अपने बंद कमरों में घंटों पड़ रहे होंगे और आप बिल्कुल अकेले होंगे। उस समय आपका यही जो हिम्मत है, मैं आज जो बात कह रहा हूं उसको उसी समय जो बच्चे ने तैयारी की होगी या जो बच्चा जो है इसको गहराई से समझता होगा, जानता होगा मैं उसके साथ क्या कर रहा हूं, एक समय ऐसा भी आता है इस यूपीएससी तैयारी में जहां आपका साया भी साथ छोड़ देता है, ठीक है, एकदम भयानक, उसमें आप अकेले नितांत होंगे। उस समय जब यही प्रश्न का जो जवाब होगा, यही जो आपका करेज होगा, आपके अंदर जो बर्निंग डिजायर होगी, यही आपको अंदर ढकेल के लेकर जाएगी, जहां आपका रोज हर समय जो है दिमाग कहेगा गिव अप यार, नहीं हो रहा यार, नहीं हो रहा यार, नहीं पढ़ा जा रहा है, थकान लग रही यार, नहीं मुझसे याद हो रहा है, उसी समय यह कहेगा बस एक और ट्राई, बस एक और ट्राई। और वो चीज जिसको हम लोग रियल इंस्पिरेशन कहते हैं, वो इस सवाल का जवाब से आता है कि मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूं। जिनको अपना उद्देश्य यानी एम डे वन से क्लियर होता है कि वो लोग हैं जो मुझे यहां लेकर जा रहे हैं, जो मुझे यहां लेकर जा रहे हैं, जिनके लिए मैं काम करने जा रहा हूं, जब उनके चेहरे दर्द भरे दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे किसी बच्चे ने लिखा फीमेल एजुकेशन पे काम करना है मुझे, ठीक है, मेरे गांव की बच्चियों को पढ़ने के नहीं दिया जाता है, तो उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को आपको महसूस करना होगा, ये दर्द और तकलीफ आपको प्रेरणा देगा, यस मुझे एक ट्राई और मानना, मुझे करना है। तो वो चीज जो है वो आपको फेलियर के बाद आपको जो है वो सफलता की तरफ लेकर जाती है। इस चीज का आप जीवन में एक बार जो है वो अनुभव जरूर करके देखिएगा। जिस समय आप ये क्वेश्चन पूछना शुरू, मैं क्यों कर रहा हूं ये, आप समझ लीजिए कि आप गलत रास्ते पर हैं। क्लियर है दोस्तों? तो पहली चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप लोग अगर बहुत ही ज्यादा अपने इस लक्ष्य को लेकर फोकस नहीं है, अपने एक उद्देश्य, आप पूरे भारत का निर्माण नहीं कर सकते, आप करप्शन मिटा दें, आप शक्तिमान थोड़े ना है, ठीक है, तो गंगाधर बने रही है, शक्तिमान आप नहीं है। तो बेसिकली वहां पर क्या है कि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं जिसके पास अपनी सामान्य क्षमताएं, ऐसे थोड़े ना आईएएस बनने के बाद वो सिक्स पैक ऐप लगा देंगे, वो डोले शोले बड़े बड़े बना देंगे, या जो है कुछ ऐसा जो है वो आप चोंगा ओंगा बांध के जैसे उड़ना शुरू कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सामान्य वही सेम चीज होती है, बस क्या होता है उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, जिम्मेदारियां उनके पास आ जाती है, बदलाव की पावर आ जाती है। लेकिन आप एक समय में एक साथ ही काम करोगे, क्यों करोगे, इसका भी मैं अब आपको लॉजिक देने जा रहा हूं। यही मेरे आज की क्लास का डिस्कशन है जिसमें बहुत मजा आएगा आपको ये सुनने और समझने में। कई लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, अच्छा लग रहा है, टू द पॉइंट जवाब है, और जहां पर कॉन्क्रीट हिट करना चाहिए वही जवाब है आपके, राइट। लेकिन जिन बच्चों ने ऐसे गोल गोल बातें की है ना, जो गोल गोल उड़ाने वाली बातें की हैं, वो बहुत परेशान होने जा रहे हैं। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, फिर आपसे कह रहा हूं, अभी आपको लग रहा है उजांग आपके साथ है, आप कह रहे हैं बहुत अच्छी लग रही है आपकी बातें, लेकिन एक समय आएगा जहां आप नितांत अकेले होंगे, बिल्कुल अकेले होंगे, आपकी असफलता आपके सामने खड़ी होगी और आपके अंदर एक उम्मीद की चिंगारी होनी चाहिए, जो उस अंधेरे में वहीं पर लोग टूट कर खत्म हो जाते, बोले यार हमसे नहीं हो रहा है, हम कोई और एग्जाम देख लेते हैं। लेकिन जो लोग जुटे रहते हैं वो उसी एक मूवमेंट को क्रॉस कर जाते हैं और सफलता उनका जो है स्वागत करती है। लेकिन कभी सोचा कि उस ना उम्मीदी के छड़ों में, उस होपलेस पॉइंट पे कौन आपके अंदर होप दिलाएगा? ना तो उजांग सर वहां है, ना आपके पेरेंट्स हैं, ना आपके गुरु, कोई नहीं है वहां पर, कौन होगा? और वो होगा जिस दिन आपके दिलो दिमाग में ये वो मकसद, वो तस्वीर उस बच्ची के लिए जिसके लिए आप काम करने जा रहे हैं, उस गरीब आदमी के लिए जिसको आपने भूख से तड़पते हुए देखा है, या कोई ऐसी चीज जिसकी दिलो दिमाग पर बहुत छाप है, उसका चेहरा जब सामने आएगा तब कहोगे यस मुझे पूरा हक है एक और ट्राई करने का, और मुझे बेस्ट ट्राई करना है क्योंकि मेरे जीवन का मकसद मुझे पता है। आज तो तुम्हें ये बातें बहुत हल्की लग रही होंगी, तुम्हें लग रहा होगा शायद ये भाषणबाजी हो रही है, लेकिन आज ये डायरी में लिख लो कि मैंने आज ये बात की, अक्षरता लिख लो, और जब कभी इन छड़ों से होकर गुजरोगे तब तुम्हें लगेगा हां इस व्यक्ति ने वही बात कही है जो वास्तव में हमारे लिए सबसे जरूरी थी। तो मैं ये चाहूंगा कि एक समय जब सब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे, जब तुम नितांत अंधेरों में भी हो, तब भी तुम्हारे पैर नहीं रुकने चाहिए, इसी का तो प्रयास कर रहा हूं। जब तुम सफल हो रहे होते, जब भीड़ साथ होती, तब किस बात की टेंशन है यार,
मजा तो तब आता है, असली पहचान तब होती है कौन मेरा है कौन अपना, जब तुम अंधेरों से गुजर रहे होते हो, जब साया भी साथ छोड़ देता है, जब मुश्किलें सामने जो है वो दैत्य की तरह खड़ी होती है, तब समझ में आता है कौन मेरा है और कौन मेरा नहीं है। तुम्हें वहां सिखा रहा हूं कि उन क्षणों में भी तुम हार कर वापस नहीं लौटोगे, तुम्हें जीतना होगा और उसके लिए तुम्हें जानना होगा, मुझे अपने मकसद को यह पहचानना होगा। यह मकसद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, यह हम इंसानों से बेहतरीन काम करा ले जाती है। यह अगर मकसद नहीं है तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति, खूबसूरत इंसान, सिक्स पैक कैब लिए, वो दिशाहीन हो जाएगा। आपने देखा होगा आजकल तमाम तरह के वो वीडियो वीडियो बनाते रहते हैं, वो कलरफुल बाल बॉडी बॉडी बनाते हुए ये वो ऐसे करते हुए अपना जो बॉडी बना रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत सिंपल सा, मैंने एक आईएएस ऑफिसर को देखा, मैं आश्चर्य की बात कर रहा हूं, सीनियर लेवल पे, भाई साहब अगर आपने उसको बाहर कहीं देख लिया तो आप पहचान नहीं सकते थे अधिकारी है, ठीक है, इतना दुबला पतला ऐसा लग रहा था शर्ट जो है टांग दी गई है, मतलब कोई पर्सनालिटी नहीं, गाल पिचके हुए एकदम, ऐसा लग रहा था वाकई में ये बहुत ही पिछड़े किसी जो है वो सेगमेंट से आ रहा है जहां पर कभी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही हुई, और बिल्कुल दुबला पतला सा ऐसे ऐसे जो है वो ऐसे शर्ट टंगी हुई है उसके ऊपर। लेकिन जब वो गाड़ी रुकी और जब शॉफर उतरा है, जब बॉडी गार्ड उतरे हैं, ठीक है, वो मतलब उसकी बॉडी को वाकई में गार्ड करने की जरूरत थी, सिंगल तीली जैसे जैसे शरीर था, लेकिन जब वो जलवा उतरता है, इसे कहते हैं, वो इंसान नहीं उतरता, जलवा उतरता है, जब वो जलवा उतरता तब लगा हाँ भगदड़ मच गई, ठीक है, साहब आ गए। और वो सीनियर आईएएस ऑफिसर जो था वहां जब उतरा तब वो लगा कि यार ये शरीर कोई मैटर नहीं करता है, ये जो दिमाग होता है ना 250 ग्राम का, ये जो एक्वायर करता है, पोस्ट हासिल करता है, ये जो मकसद हासिल करता है, ये सबसे जरूरी होता है। नहीं तो उस आदमी को बाहर कोई कह दे कि ये भाई साहब सीनियर आईएएस ऑफिसर, हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता कि यार हम तो इसको पहचान नहीं पा रहे, किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा व्यक्तित्व का। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि आप अगर अपने शरीर की बजाय अपने दिमाग की ताकत पर जाना शुरू करेंगे, जो ये बच्चे कहते हैं कि मैं फलाना हूं, मैं ढिकाने में, बहुत से मैसेज आते हैं सर मैं दिव्यांग हूं, मैं फलाना, मैं आईएएस बन सकता, नहीं सब भूल जाओ, किसी ने मुझे लिख के कितने लोगों ने मैसेज किया सर मैं हकलाता हूं जो है स्टमर करता हूं मैं बन पाऊंगा, अपने ऊपर भरोसा करना सीखो, ठीक है, अपने मकसद को पहचानना सीखो, कम से कम अपने जो हमारे ऐसे भाई बहन जिनको प्रिविलेज नहीं है उनके लिए लड़ना सीखो, उनके लिए लड़ना सीखो, एंड यू फाइंड योर वे, आप आसानी से अपना रास्ता पा जाओगे। और मैंने आपको लास्ट टाइम एक कहानी जो शेयर की थी, जब मैं अपने स्टूडेंट से मिलने लबासना गया था, ठीक है, तो जहां पर हम लोग रात में डिनर कर रहे थे बाहर सभी लोग, तो बगल में जो है वो दो लोग ऐसे बैठे जो मतलब कुछ ऐसे गुनगुना रहे थे बगल की टेबल में, ठीक है, वो बिल्कुल देख नहीं सकते थे, बिल्कुल देख नहीं सकते थे, वो हर चीज को छू कर या वो अपने साथ किसी को असिस्ट करने के लिए लेकर, दोनों भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, राइट, वो दोनों ट्रेनीज थे, वो देख नहीं सकते थे, वो हर चीज को ऐसे हवा में, लेकिन आपने देखा कि आपकी आपकी जो हौसले होते हैं, आपकी जो लड़ने की ताकत होती है, आपको डिजायर जो होती है वो आपको आगे लेकर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, तो अब हम बात करते हैं, मैं आपसे ये बातें क्यों कर रहा हूं, क्या मैं कोई मोटिवेशन बात करने जा रहा हूं, नहीं, मैं तुम्हें सच्चाई बताने जा रहा हूं। जब आप समाज में जाते हैं, आजा पति आपने लिखा कि मैं सर बच्चियों के लिए जो है वो बाल विवाह को रोकना, जल्दी शादी कर दी जाती है, उनकी गरीबों की मदद करना, किसी ने लिखा है बालिका शिक्षा पर बात की है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, इंडियन कल्चर को रिज्यूम करना इसके बारे में बात की है, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, रोका किसने है, ये बच्चियों को पढ़ने से रोका किसने है, ये बाल विवाह करवा कौन रहा है, ये जो है वो बच्चे और बच्ची में भेद कौन कर रहा है, मुझे आप बताइए कौन है जो गरीब को उसका हक पाने से रोक रहा है कौन, मुझे इन सवालों का जवाब आपकी तरफ से मुझे चाहिए होगा, तभी मैं आऊंगा कि मैंने आपसे क्यों कहा कि अपने मकसद को, और ये नहीं कि सिर्फ सिलेक्शन तक चाहिए, जीवन पर्यंत चाहिए मकसद, ये मकसद जीवन पर्यंत चाहिए। और मैं तुम्हें अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, तुम्हारे बीच में ऐसे सीनियर मोस्ट आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हैं जो इस मकसद को अपना जीवन बना चुके हैं। एक होता है जिंदगी में मकसद बनाना और एक होता है मकसद को जिंदगी बनाना, क्या मैंने कहा, एक होता है जिंदगी में मकसद बनाना और एक ऐसी भी पर्सनैलिटीज होती है जो अपने मकसद को अपनी जिंदगी बना लेती है। अपने मकसद को जिंदगी बना लो, दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। इसी में एक नाम अजीत डोवाल साहब का है, जिन्होंने इतना कुछ करने के बावजूद अपने मकसद को कि राष्ट्र को वापस लेकर जाना है, अखंड भारत की तरफ जाना है, भारत के दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर देना है, किसी भी स्थिति में काम करके रखना है, भारत की अखंडता और संप्रभुता के सामने कोई क्वेश्चन नहीं आने देना, और जो भारत की तरफ आंख उठा के देखे उसकी सिर्फ धमकाना है, उसकी आंखें भी निकाल लेना है, ऐसे व्यक्ति का नाम है सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर अजीत डोवाल साहब, जिन्होंने जिंदगी में मकसद तो बनाया लेकिन आगे चलकर अपने मकसद को अपनी जिंदगी बना ली। और जिस
जिस दिन आप अपने मकसद को अपनी जिंदगी बना लेते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इस बात को लिख लेना आज अपनी डायरी में कि मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी में मकसद नहीं बनाना है, मुझे अपने मकसद को अपनी जिंदगी बना लेनी है, मुझे उसको जीना है, मुझे अपने अंदर उसे लेकर पालना है, ताकि मैं जो है वो अपने जो अभी लक्ष्य है उस पर मैं पहुंच सकूं। समझे? तो दोस्तों यहां बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आखिर कौन रोक रहा है, एलिमेंट्स कहां है, और वो है तुम्हारा समाज। सोच तुम कहां हो, तुम भी इसी समाज का हिस्सा हो। तुम सोच रहे हो कि मैं इन समस्याओं से, तुम एक अधिकारी हो और तुम अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने हिसाब से जो अपने अपने सामने दिक्कतें देखी उनके आप समाधान के लिए जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे ही समाज में जो है उसको रोकने का काम भी किया जा रहा है। यानी तुम्हें लड़ना कैसे है, तुम जहां से आए हो तुम्हें उसी माहौल से संघर्ष करना है। और लड़ाई कैसी है, लड़ाई यहां पर स्पष्ट नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष बहुत ज्यादा है। तुम्हें उनकी मानसिकता को बदलना है, तुम्हें अपने उद्देश्य को समझाना है, तुम्हें अपने मकसद के लिए बात करनी है। और जब तुम अपने मकसद के लिए बात करोगे तो तुम्हें क्या होगा, एक रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ये बहुत ही जो है वो गहरी बात है और इसको आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। आखिर हमारा समाज, हमारी सोसाइटी इतनी रिलेक्टेंट क्यों होती है? ये समाज है क्या? समाज में इतना घर्षण क्यों है? समाज में सबको हक क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्या शिक्षा, कहीं हमारे संविधान में लिखा है कि हम भारत के लोग जब प्रियम्बल की बात करते हैं तो हम भारत के अमीर लोग, हम भारत के गरीब लोग, हम भारत के फलाना धर्म के लोग, हम कहीं बात करते हैं? नहीं बात करते हैं। हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और फिर भी अगर हम अपने प्रियम्बल में, अपने संविधान में इस बात को लेकर आते हैं तो समाज के अंदर हमें विभाजन क्यों दिखाई पड़ता है? क्यों ऐसा होता है कि जब तुम किसी पर्पस के लिए आगे काम करोगे तो तुम्हारे पर्पस पर इतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, इतना ज्यादा घर्षण होगा और तुम्हारे कामों पर भी उंगली उठाई जा सकती है? अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि आखिर ये समाज यानी सोसाइटी का बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। ये अगर आप समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो सेगमेंट निकल कर आएगा। और वो ये होता है कि जो समाज होता है, कई बार हम सोचते हैं समाज लोगों की संख्या, लोगों का नंबर, ये समाज है। नहीं, अब जरा ध्यान से समझो ये समाज क्या होता है। बेसिकली हमारा समाज जो है कॉन्सेंट्रिक लेयर्स यानी मल्टीपल लेयर्स होती हैं। इसमें कई क्या होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कई परतें होती हैं। ऐसे समझो कि एक चक्के के अंदर ढेर सारे चक्के लगे हुए हैं, कई परतदार चक्के हैं। यह हमारा समाज का स्ट्रक्चर है, ठीक है? बड़े ध्यान से इसको समझते जाना। इसमें हमारे समाज के जो मध्य भाग में है, दिस इज नोन एज सेंट्रल, इसको सेंटर ऑफ इंक्लूजन कहते हैं, COI, यानी यह समावेशन बिंदु है, ठीक है? समावेशन बिंदु है ये हमारा, समावेशन बिंदु, बड़े ध्यान से इसको समझना। ये सेंटर ऑफ इंक्लूजन है। समावेशन का मतलब इनको शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, पैसा, सहूलियत सब बड़े आराम से मिली। ये कोई भी हो सकता है, ये कोई नेता हो सकता है, कोई जो है वो नौकरशाह हो सकता है, कोई एलीट क्लास हो सकता है, कोई ताकतवर बिजनेसमैन, कोई भी हो सकता है। तो इसकी लाइफ में अगर कोई भी चेंज आता है अगर यहां पर, तो इसकी लाइफ में तुरंत चेंज हो जाता है। इसको एजुकेशन, हेल्थ सब कुछ बहुत बढ़िया मिली है। फिर इसके बाद अगली लेयर होती है, ये सेंटर ऑफ इंक्लूजन से थोड़ी दूर होती है, लेकिन फिर भी अगर इसमें कोई चेंज आता है तो इसको भी आसानी से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, आप जैसे जैसे अगली लेयर में जा रहे हो, सेंटर ऑफ इंक्लूजन से इसकी दूरी बढ़ती चली जा रही है। यानी इनके जीवन में उतना तेजी से परिवर्तन नहीं आता जितना अन्य भागों की तरफ परिवर्तन आना शुरू होता है। सेंटर ऑफ इंक्लूजन से ये उतना दूर होते चले जाते हैं, COI से उतना दूर होते चले जाते हैं। समावेशन बिंदु से जितना दूर आप जाओगे उतना ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन नहीं आएंगे, ठीक है? यहां वाले को सच्ची शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सुविधाएं, अच्छे अवसर सब कुछ मुहैया है, लेकिन जैसे जैसे दूर होते चले जाओगे समाज में क्या होता है, वहां पर उनका बहिष्करण यानी एक्सक्लूजन बढ़ता चला जाता है। उनके जीवन में अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाएं, अवसर, ये सब हमें देखने को कम से कम मिलते हैं। अब यह हुआ कि सेंटर ऑफ इंक्लूजन से दूरी बढ़ती चली जा रही है और उनका जीवन स्तर क्या होता चला, घटता चला जा रहा है। जब आपको सुविधा नहीं मिलेगी, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेगी, आपके जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन यानी पॉजिटिव चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन एक दूसरी कहानी भी है जो आपको समझना पड़ेगा। जिस तरह से ये दो बिंदु होते हैं, ये दो बिंदु आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ घर्षण करते हैं। यानी समाज का हर वर्ग दूसरे वर्ग के साथ क्या करता है, फ्रिक्शन यानी घर्षण करता है।
फ्रिक्शन यानी घर्षण करता है, समाज इस तरह चलता है, यानी समाज ये एक पहिया है, ऐसे आप समझो पहिया है। तो अगर किसी देश को चलाना है तो समाज क्या होना चाहिए, पहिया आसानी से चलना चाहिए। तो जैसे पहिया आसानी से चल रहा है तो क्या हो रहा है, जो राष्ट्र रूपी गाड़ी है वो अपने राज्यों के साथ वो आगे बढ़ती चली जा रही है, ऐसे तो है। लेकिन अगर पहिए के ही अंदर घर्षण होता चला जा रहा है तो फिर राष्ट्र रूपी गाड़ी में क्या होता है, बदलाव बहुत ही मुश्किल होता है, उसकी हमारी गति कम हो जाती है। तो हमारे समाज में कभी भाषा को लेकर भेद है, भाषा के आधार पर देख सकते हो, ये हिंदी वाला है, इंग्लिश वाला है, ये उड़िया है, कन्नड़ है। कभी धर्म के आधार पर होता है, माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है। कभी जो है वो आपके जातियों के आधार पर होता है, बहुत बड़ा फ्रिक्शन हमारे यहाँ जातियों के आधार पर होता है घर्षण। कभी बार जो है लिंग के आधार पर, यानी पुरुष और स्त्री के बीच में जो है वो घर्षण हो रहा है। तमाम तरह से हमारे यहाँ घर्षण का जो है वो सेगमेंट्स है। ये सिर्फ अमीर और गरीब की बात नहीं है, हमारे समाज में हर तरह का घर्षण अवेलेबल है। हम एक ऐसे समाज का रूप है जहां पर हम एक साथ अपने राष्ट्र के पहिए को लेकर नहीं चल पा रहे। 3,000 से ज्यादा जातियां हैं केवल हिंदू धर्म के अंदर, धर्मों के बीच में फ्रिक्शन है, जातियों के बीच में फ्रिक्शन है, लिंग के बीच में फ्रिक्शन है, भाषा के बीच में फ्रिक्शन है, क्षेत्र के बीच में फ्रिक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से भौगोलिक क्षेत्रों के बीच में हमें फ्रिक्शन दिखाई पड़ रहा है, बहुत ज्यादा घर्षण होता चला जाता है। और जब घर्षण होता चला जाता है, फ्रिक्शन होता चला जाता है, तो हमारी गति, हमारा जो मोशन है वो क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। और इस कंडीशन में जो राष्ट्र जितनी तेजी से प्रगति करना चाहिए उतनी तेजी से प्रगति नहीं कर पाता। अब आपको समझ में आया कि 1,35,00,000 लोग हम लोग संख्या में हैं, तो हम उसके बाद भी जो है वो इतना बड़ा राष्ट्र जो है वो एक साथ क्यों नहीं आगे तेज चल पाया, हम आज इतनी बड़ी आबादी को गरीबी से बाहर क्यों नहीं निकाल पाए, आज हमारे 40% से ज्यादा बच्चे भूखे जो है वो क्यों है, मॉल न्यूट्रिशन का शिकार क्यों है, आज भी हमारी जो है आधी आबादी जीडीपी या जीएनपी में कैलकुलेट क्यों नहीं होती है, आज भी पितृसत्ता इतनी ताकतवर क्यों है, आज भी बच्चियों की शादी बहुत पहले क्यों कर दी जाती है, आज भी बालिका शिक्षा में हम इतने पिछड़े हुए क्यों हैं, आज भी भारत में साक्षरता इतनी 100% क्यों नहीं हो पाई, आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी हमें जो है वो दर दर भटकना पड़ता है, भारत में आज भी महिलाएं जो है वो 60% के आसपास खाना बनाने के लिए जलावन लकड़ी का ही प्रयोग करती हैं, उनके पास स्वच्छ ईंधन नहीं है, भारत के हर गांव में अभी भी जो है वो 24 घंटे बिजली नहीं पहुंच पाई है। स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर हम बात करें तो आज भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में 60% स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसी हैं जो आउट ऑफ द पॉकेट, यानी गरीब आदमी की जेब यानी उसकी औकात से बाहर है। तो आखिर इतनी बड़ी समस्याओं का जन्मदाता कौन हो सकता है, क्या इसके लिए मैं केवल पॉलिटिक्स को जिम्मेदार ठहराऊंगा, नहीं, इसके लिए समाज का स्वरूप भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप कौन है, आप इस पहिए को गति देने की जिम्मेदारी दी गई है, आप उस सेवा का भाग है जहां पर यह कहा गया है कि इस पहिए को धक्का लगाओ और आगे लेकर जाओ। लेकिन जैसे ही आप इस समाज के करीब पहुंचते हो तुम्हें पता चलता है कि मुझे धक्का लगाना इसको है, क्योंकि एक पहिया नहीं, इसमें तो कई पहिए हैं और इनकी गतियों में अंतर है। ये वाला तेजी से घूम रहा है क्योंकि सेंटर ऑफ इंक्लूजन के पास, धुरी के पास है। जैसे-जैसे आप बाहर की तरफ चले जाते हो उनकी गति में अंतर आता चला जाता है, जैसे ही आप बाहर की तरफ जाते हो वैसे-वैसे उनका गति धीमी होती चली जाती है। और जब उनकी गति धीमी होती चली जाती, गति धीमी क्यों होती है, इनर्शिया यानी जड़ता के कारण होती है, वो रुका हुआ रहता है। तो समाज का कोई वर्ग अगर रुका हुआ रहता है तो अपनी रूढ़ियों को पकड़ लेता है, अपनी परंपराओं को पकड़ लेता है, और उस कंडीशन में उसके अंदर किसी भी तरह के नए बदलाव को लाना बहुत बहुत मुश्किल कार्य होता है। यह बात आप समझ के रखिएगा, बहुत मुश्किल काम होता है। अगर आप उससे कहोगे कि भाई बच्चियों की शादी नहीं होनी चाहिए, 10 पीढ़ी से हमारे यहां होता चला आया है, ठीक है, ये देख रहे मूछे हैं फलाना ढिकाना, बोले औरत को बाहर भेजना है काम करने के लिए, हमारे घर की औरतें बाहर नहीं जाती है, पर्दे में रहती है, हमारी शान के खिलाफ है, मूछों के खिलाफ है, इस तरह की बातें होती है। क्यों वो कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रूढ़ियों को पकड़ के रखा है और वो समय के साथ परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ समाज के हिस्सों में देखोगे वहां पर क्या होगा, समाज के उन हिस्सों में बदलाव तेजी से आते चले जाते। अभी आपने देखा कि जो है उत्तराखंड के सीएम ने एक स्टेटमेंट दिया कि भैया वो घुटने दिखा रहे बच्चे फटी हुई जींस पे, और उस पर तमाम सेलिब्रिटीज ने अपनी जो है वो फोटोज डालनी शुरू कर दी, ठीक है। अंत में अभी जो है उन्होंने क्या किया, थोड़ी देर पहले माफी मांगी है कि ये मेरी बात को गलत तरीके से ले लिया गया, मुख्यमंत्री को माफी मांगनी पड़ी। लेकिन फोटो डालने वाले ट्विटर का यूज करने वाले थे, सेलिब्रिटीज थे, वो फैशन की तरह उसको कैरी कर रहे थे, लेकिन देश की एक बहुत बड़ी आबादी उनसे क्या मतलब है, फटी उनका तो कपड़े ही फटा पड़ा, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं पहनने को, मजबूर है बेचारे, ठीक है, जो है वही फटा पड़ा है क्योंकि उन तन ढकने के लिए उनके पास कपड़े ही नहीं है। तो सवाल है कि हम किस तरह के समाज में जी रहे हैं और हम किस तरह के मुद्दों के साथ हम आगे जा रहे हैं। तो समाज जो होता है, जो सोसाइटी होती है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यू होता है, बहुत ही जटिल मुद्दा होता है, जो हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट क्रिएट करता है। पंचाल ने पूछा व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड फ्रिक्शन, ठीक है,
जब फ्रिक्शन कब होता है, जब दोनों परतों में गति समान नहीं हो रही। अगर गति समान हो रही है तो क्या होगा, ये लगातार मूवमेंट कर रहा है, लेकिन एक की गति दूसरी है और दूसरे की गति दूसरी है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें फ्रिक्शन देखने को मिलता है। यानी जैसे जैसे आप लोगों को इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, किसी के पास जमीन नहीं है, किसी के पास आय के साधन नहीं, किसी के पास शिक्षा नहीं है, किसी के पास स्वास्थ्य नहीं है, कोई जाति प्रथा में मारा गया है, उसके बच्चे को स्कूल में नहीं बैठने दिया जा रहा, कोई धर्म की वजह से पिछड़ा हुआ है, तमाम ऐसे हमारे जो है वो सोसाइटी में इनहेरिट कारण होते हैं जहां पर हम लोग इसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है। और समाज में जो परिवर्तन की गति होती है, किसकी गति, जो है रेट ऑफ चेंज की जो बात हम कर रहे हैं, यानी परिवर्तन की जो गति की बात कर रहे हैं, वो एक समान नहीं हो पाती है, और इसीलिए समाज क्या होते हैं, वहां पर फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। और जब आप इस जो पहिया पिछड़ रहा है उसको जब धक्का देने जाते हो, तो वो आपको ही रिटेलिएट करते हैं, वो आपको आसानी से नहीं समझ पाते हैं, और इसका नतीजा होता है कि वो फिर क्या होता है, आपके और उनके बीच में एक तनाव, एक टेंशन पैदा होती है। लेकिन जो धैर्य वाले हैं, जो आपके महत्वपूर्ण तरीके से काम करने वाले हैं, वो बेसिकली इस पर बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। मैं आपको और एग्जांपल लेकर समझाता हूं, जो शायद आपके साथ जो है वो इसको और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। आपने नक्सलाइट्स का नाम सुना होगा, आपने नक्सलवादी आंदोलन का नाम सुना होगा। जब आप इसको आप पढ़ेंगे आपके सिलेबस में डेवलपमेंट वर्सेस एक्सट्रीमिज्म, तो आप पाएंगे कि वो हमारे देश के ही नागरिक हैं भाई मेरे। लेकिन आप तेंदू के पत्तों के लिए उनकी महिलाओं के साथ आप रेप नहीं कर सकते, आप उनको जो है जेलों में बंद करके पीट नहीं सकते, लेकिन शासन ये करता था, क्योंकि वो जंगल के अधिकारों का जो जंगल पे जो राइट्स है वो तो गवर्नमेंट और सरकार के अधिकारियों ने ले रखा था। और वो बेचारे जो जंगल के रहवासी थे, जो हजारों सालों से वहां रह रहे थे, वो जंगल में अपना अधिकार मांगने जाते हैं, तो आप उनके साथ इतना भयानक काम करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनके लोगों को पीटते हैं जेलों में ले जाकर, महुआ की जो शराब होती है, महुआ के बीज के लिए उनके साथ क्या क्या कुकृत्य होते हैं, तो वो जो है वो रिटेलिएशन करते हैं, और वो क्या होता है, अंत में बंदूक उठा लेते हैं, उनके जो जमीनें छीन ली जाती है, उनकी जंगल जमीन छीन ली जाती है, तो वो रिटेलिएशन करते हैं। और जब वो रिटेलिएशन करते हैं, यानी वो कहते हैं कि ये कौन सा राष्ट्र है जो हमारे लिए ही नहीं खड़ा पा रहा है, राष्ट्र के लोग ही शक्तियों का दुरुपयोग करके हमारी ऐसी तैसी कर रहे हैं, हमें बहिष्कृत कर रहे हैं, हमें बाहर कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन वहां जन्म लेता है। यह फ्रिक्शन संघर्ष के रूप में जन्म लेता है, और वो हथियार उठा लेते हैं, और फिर वो सरकार को जो है वो नेग्लिफाई करते हुए वो अपना संघर्ष आगे लेकर जाते हैं, जो इसका एक बेस थीम था। चलिए, एक नक्सलवादी आंदोलन खड़ा होता है जिसमें आपके विचार अलग हो सकते हैं, मेरे विचार अलग हो सकते हैं, थर्ड पार्टी के विचार बिल्कुल अलग हो सकते हैं, कौन किसको किस परिप्रेक्ष्य में देखेगा। यहां मैं किसी को गलत या सही जस्टिफाई करने नहीं जा रहा हूं, मैं यहां पर आपको उस फ्रिक्शन यानी उस संघर्ष के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे समाज के मूल चरित्र में छुपा हुआ है। अब सवाल क्या हुआ कि ये जो बहुत हिंसा हुई, जो है नक्सलाइट भी मारे जाते हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी शहीद होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें तनाव होता है, और जान तो किसी की भी जाए, ठीक है, वो कभी भी उसको जो है हिंसा को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हम गांधी के देश के लोग हैं, हम उस धरोहर को लेकर आगे पढ़े जो कभी हिंसा को यानी वायलेंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी रूप में। अब सवाल यह हुआ कि हम जब आगे जा रहे हैं तो अब इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। अंत में बहुत कोशिशें करने के बाद सरकार को समझ में आया कि इसमें से ज्यादातर लोग जो बहिष्कृत किए गए वो हमारे द्वारा किए गए, हमारी नीतियों के द्वारा किए गए, फॉरेस्ट राइट एक्ट में बदलाव किया गया, और सरकार ने अब कहा कि इन लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, चाहे वो प्रोजेक्ट रोशनी चलाई हो चाहे कुछ भी हो। उसमें मुझे सुकमा के डीएम साहब की याद आती है, ठीक है, सुकमा के डीएम साहब यंग लड़का जो है गया और उसने कहा कि नक्सलाइट्स जो आज के समय में तमाम लोग जो आगे गए उन्होंने तमाम तरह के अपने जो है वो सेगमेंट्स क्रिएट किए और कैडर के लिए इन्हीं लड़के लड़कियों की भर्ती करते थे, औरतें भी थी, महिलाएं भी थी, जो जिनका कुछ ना कुछ जिनके साथ गलत हुआ है, जिनके साथ अत्याचार हुआ, उन्होंने बंदूकें उठा ली। दूसरा एक कारण समझ में आया कि उनके पास रोजगार का कोई साधन ही नहीं है, उनके पास अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, वो 5-10 हजार रुपए के लिए भी बंदूकें उठाने को तैयार है, क्योंकि उनके पास मरना ही मरना है। तो कह रहे यार लड़के मरेंगे कम से कम जो है वो हमें भूख से मरने से अच्छा है कि हो सकता है हम जिंदा रह जाएं लास्ट तक। तो इस कंडीशन में उनके पास कोई विकल्प ही नहीं, जीवन का विकल्प ही नहीं है, हमें पता है कि दोनों साइड हमें मरना ही है, तो क्यों ना हम बंदूक उठा लेते। ये स्थिति है। जब आप सलाम बस्तर पढ़ते हो राहुल पंडिता की किताब, तो उसमें आपको ये जो उन्होंने बहुत लंबे समय तक उसमें रिसर्च किया है, तो आपको बहुत दर्द जो है दर्दनाक घटनाएं पता चलती है हमारे समाज की, वो सच्चाई है। अब सुकमा का डीएम यंग लड़का, आप देखिए, बंदूक नहीं उठाता है, बंदूक नहीं उठाता, वो क्या करता है, वो चला जाता है नक्सलाइट्स के गांव में, ठीक है, आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, नक्सलाइट के गांव में चला जाता है, जाता है उनकी भाषा में उनसे बात करता है, ठीक है, और बात करता है, धीरे धीरे उनको समझाता है कि सरकार की डेवलपमेंटल योजनाएं क्या है, और वो खुद अपने मतलब सिक्योरिटी गार्ड को लेकर मोटरसाइकिल पर बैठ के चलाता है, कार भी अपनी छोड़ देता है, जंगलों में चला जाता है, इतना निर्भीक होता है वो जंगलों में चला जाता है, वहां जा जाके काम करता है, और जब वो काम करता है तो लोगों को समझ में आता कोई है हमारा,
वो स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाता है, डॉक्टर सुविधाएं पहुंचाता है, वो उनको बताता है कि ट्रेनिंग आपकी कैसे हो सकती है, उनके बच्चों को रोजगार देता है। धीरे धीरे उसकी ख्याति बढ़ने लगती है, इतनी बढ़ने लगती है कि नक्सलाइट्स में खबर पहुंच जाती है कि कैडर में भर्ती करने के लिए लड़के लड़कियां नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि लड़कियां तो नर्स की ट्रेनिंग कर रही है, वार्ड बॉय की ट्रेनिंग कर रही है, वो जो है वो जो है लड़के जो कर रहे हैं और उनको नौकरी मिल जा रही है, 10-12 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, तो आपके यहां वो नहीं आ रहे बंदूक उठाने के लिए। वो एक कौन बोले कौन कर रहा है, ये कौन सी सिक्योरिटी फोर्स आ गई, हम तो आज तक कभी किसी सिक्योरिटी सीआरपीएफ से डरे ही नहीं। बोले नहीं, वो एक लड़का आया, डीएम है, बहुत खतरनाक है, वो सबसे जाके बात करके समझा रहा है, उसकी जो है वो बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। अगवा कर लिया, क्योंकि वो तो निर्भीक था, वो अकेले चला जाता था, अगवा कर लिया, उसको अबडक्ट कर लिया। लेकिन खैर, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो, पूरा प्रशासन उतार दिया उसको जो है छुड़ाने के लिए, छुड़ा भी ले आए, निगोशिएशन भी किया। लेकिन सवाल यह है कि उस एक बंदे ने बिना बंदूक उठाए लोगों से कम्युनिकेशन करके, बात करके वहां पर जो है वो नक्सलाइट्स की जड़ें हिला दी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस भी नहीं हिला पा रहे थे। उसने वो दिखाया कि अगर आप सही तरीके से सही मकसद के लिए काम करते हैं तो समाज में आप कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। और जो लोग इस सेंटर ऑफ इंक्लूजन से दूर हैं, जिनको इस समाज ने, इस राष्ट्र ने, इस राजनीति ने इसको बाहर कर दिया, उसको भी आप खींचकर अंदर लेकर आ सकते हैं और उनके जीवन में भी परिवर्तन होता है। और समाज की सबसे बड़ी खास बात होती है, हम हर क्षण हर पल परिवर्तन की चाह रखते हैं, हमारे पास ईगरनेस है हमारे चेंज के लिए, यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डन, अब जैसे ऋत्विक ने पूछा है, सर व्हाई गवर्नमेंट इज फेल टू कर्टेल दिस फ्रिक्शन। गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट, एक सिंपल सी बात सुनो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, अब जरा ध्यान से सुनना। समाज ना बाहर की तरफ से देखता है, हम ज्यादातर पॉलिटिशियन गंदा है, ठीक है, वो पार्टी गंदी है, वो पार्टी करप्ट है, वो करप्ट लोग है। मुझे एक बात मैं तुमसे कहता हूं, एक लाइन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, एक करप्ट समाज एक करप्ट राजनीति को जन्म देता है, एक करप्ट समाज एक भ्रष्टाचारी समाज एक भ्रष्टाचारी राजनीति तंत्र को जन्म देता है। मेरी इस बात को लाइन पे लिख लो, इसीलिए तो मैं तुम्हें सोसाइटी पढ़ा रहा हूं। किसने कहा था वोट डालने के लिए उसको, किसने तुमने उसकी जाति के नाम पर उसको वोट क्यों दिया, धर्म के नाम पर वोट क्यों नहीं दिया, वोट दिया और या तुमने जो है उस पर गोलियां जो है वो चला रहा था, बाहुबली था, उसको तुमने जिताकर क्यों भेजा? आप मुझे बताओ, रेप के केसेस के आरोप लगे, आपने उसको जिताया कौन, कौन जिता रहा था? डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, वेयर ये पीपल कौन है, ये समाज ही तो है, वहीं से तो निकल कर आया। तो आपने कहा भाई वो मेरी जाति का है, ठीक है, तो हम उसको वोट देंगे, भले चाहे कितना बड़ा पापी हो, हमारी रक्षा कर रहा है। सो यू आर फ्रेगमेंटेड। तो जब तुम विभाजित हो तो राजनीति तो हमेशा विभाजन का फायदा उठाती है, ये तो इसका चूल्हा ही जलता है इसी विभाजन पे, आज से नहीं अंग्रेज डिवाइड एंड रूल पे काम करते चले आ रहे, तुम्हें बांटेंगे मौज करेंगे। तो सवाल है कि एक करप्ट समाज ही एक करप्ट पॉलिटिक्स को जन्म देता है। लोकतंत्र में तुम्हारे पास तो क्वेश्चन पूछो कि नहीं भाई मैं और तुम जो है जाति धर्म के नाम पर नहीं लड़ेंगे, हम जो उससे बात करेंगे, वो जो खड़ा हुआ है उससे बात करेंगे, उसको नहीं जिताएंगे, खत्म करो, पकड़ सकते उसको, जो हमें नहीं उसको जिताना है। पर आपने तो जिताया उसको, वो जीत कर पहुंच रहा है। आज कितने बाहुबली जेल से जो है रूल कर रहे कि नहीं कर रहे, क्यों जीत गए वो, क्वेश्चन यही है। सो सवाल है कि समाज अपने ऊपर नहीं देख रहा है, वो कह रहा है राजनीति भ्रष्ट है, वो फलाना जो है भ्रष्ट है, उसको पावर में पहुंचाने वाला कौन है? यह विभाजित समाज। उसने कनपटी में बंदूक रखे, तुमसे नहीं वोट लिया था ना, आपने दिया था, हमने दिया था, तो या हमारी उदासीनता थी, हम किसी को नहीं देंगे, बाहर में जाए, सब चोर हैं। आपने विद्रोह की आवाज नहीं उठाई, जब तक आप विद्रोह की आवाज नहीं उठाएंगे, जब गलत को गलत नहीं कहेंगे, तो आपने क्या किया, आपने गलत को स्वीकार कर लिया। कहते ना चोर का साथ देने वाला भी चोर होता है, तो सेम वही चीज है। लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करते, और डेटा चोर है, वो फलाना चोर है, फलाना डेटा, वो वहां तक पहुंचा कैसे? इसीलिए तो तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये करप्ट समाज ही एक करप्ट पॉलिटिक्स को जन्म देता है। और नहीं अगर तुम्हें प्रूफ है तो रेनासा को उठा के देख लो, जब पुनर्जागरण समाज के अंदर से आया था तो राजनीति को उखाड़ के फेंक दिया था कि नहीं फेंक दिया था? तभी तो हम आगे गए, तभी यूरोपियन संस्कृति कितनी आगे चली गई उसके बाद। तो सवाल है हम जागेंगे कब, राइट? चलें,
अब हम आगे बढ़ते हैं। तो समाज में ऐसा समझा कि समाज जो है वो मल्टी लेयर है। कैसा है? इसका कैरेक्टर क्या है? मल्टी लेयर है, बहुपरतीय है। मल्टी लेयर सोसाइटी, बहुपरत है इसमें। और इसमें क्या हो? परतों के बीच में ढेर सारा फ्रिक्शन यानी घर्षण है। यह घर्षण कई वजह से, अब जैसे किसी बच्चे ने पूछा यह फ्रिक्शन क्यों है, यह फ्रिक्शन है हमारी पहचानों की वजह से। कई बार जैसे जब आप अपनी जाति का नाम लेते हैं, अपने धर्म का नाम लेते हैं, हम फलनवा कुमार ऐसे हैं, ठीक है, हम फलाने जो हैं ऐसे हैं, तो उसमें क्या होता है, हम अपनी पहचानों के साथ जुड़ जाते हैं। जब हमें इंक्लूजन नहीं मिलता है तो हमारी गति कम हो जाती है। जब हमारी गति कम हो जाती है तो फिर हम क्या होता है, रूढ़िवादीता होते चले जाते हैं। हमें लगता है कि हमें अपनी पहचानों को बचाए रखने के लिए हमने अपनी रूढ़ियों को, पहले हम उसको परंपराओं का नाम देते हैं, फिर हम उसको रूढ़ियों का नाम दे देते हैं कि बाप दादा करते चला। जैसे आप कभी कल को डीएम बन के जाओगे, जैसे अभी मुझे याद है कि अतर आमिर साहब जो है जयपुर में थे, अब तो खैर कश्मीर वापस चले गए, तो जब जयपुर में थे तो उन्होंने बालिका से, आपको पता होगा उनको बहुत अवार्ड मिले हैं, उनकी जो है वो तमाम ग्राम पंचायतों में उन्होंने बालिका जो विवाह था, जो बाल विवाह था, उसको स्पेशली बच्चियों की पढ़ाई और बालिका विवाह को रोकने में उन्होंने बहुत मदद की थी, बहुत उन्हें कामयाबी मिली थी। तो उसका रीजन था कि उन्होंने संवाद स्थापित किया था, लोगों से मिले जुले और उनसे जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन करना शुरू किया। तो उसमें ज्यादा रही था कि वो अपनी परंपराओं की दुहाई, एक्चुअली परंपराएं तो कोई गलत नहीं होती है, लेकिन वो रूढ़ियों में जब कन्वर्ट हो जाती हैं, वो एक जिसे कहते हैं जकड़न में कन्वर्ट हो जाती है, तो वहां एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो वहां पर आप उसकी दुहाई देना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपको ये डर है कि मेरी पहचानें खो ना जाए, मेरी आइडेंटिटीज लॉस ना हो जाए, तो हम एक्चुअली उसको लेकर जो है वो काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं। अब जैसे मुशायद खान साहब हैं, बोले हमारे यहाँ वोट देने के लिए पैसे मिलते हैं, वोट खरीदी जाती है। अरे खरीदी जाती है तो तुम्हारे गले में जो है वो कोई चाकू डाल के तुम्हें तो खड़े खरीद रहा है, या तुम्हारा अंगूठा काट के ले जाकर वहां वोट डाल दे रहा है, तुम बेच क्यों रहे हो? वो तो खरीद रहे, तुम बेच क्यों रहे हो? इतना ईमान सस्ता है तुम्हारा कि अपने दे वोट, क्योंकि तुम्हारी जरूरत तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हारी भूख है, तुम्हारी जो है जरूरत है, तो आपने वोट भेज, आपको पता नहीं आप वोट आप क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? भाड़ में जाए देश हमारा, दो वक्त की रोटी बने, दारू मुर्गा मिले, इसे हमारा काम हो जाएगा। खरीदने वाला तो हमेशा मौजूद था, इतिहास में लेकर आज तक वर्तमान में, बेच क्यों रहे हो? क्वेश्चन ये है। क्लियर? सो दिस इज द फैक्टर कि हमारी सोसाइटी इस तरह से काम करती है। अब हम सोसाइटी के सिलेबस पे आते हैं कि सोसाइटी पर जो है वो सिलेबस जो है वो किस तरह से काम करता है हमारे लिए, इसमें जो है वो क्या सेगमेंट हमारे पास अवेलेबल है। अब देखिए हमारा आज डिस्कशन थोड़ा और गंभीर होता चला जा रहा है, ठीक है। अब आपको यहीं से चैलेंज आएगा जब आप परिवर्तन करने जाओगे, इसीलिए यूपीएससी में जो आपकी पूरी लाइफ, मैंने कहा कि आपका जीवन, आपका मकसद आपका जीवन होना चाहिए, वो इसी वजह से होता है, राइट इसी वजह से होता है कि आप इसको किस तरह से यूटिलाइज करते हो। आप ये परिवर्तन रातों रात लेकर नहीं आ सकते, आपके पास बहुत पेशेंस होना चाहिए, लगातार इस पर धैर्य के साथ आपको काम करना है, आपको पूरे जीवन भर इस पर काम करना है अपने मकसद को लेकर, तभी आप इस तरह के परिवर्तन आप लेकर आओगे। और होते हैं परिवर्तन, लेकिन भारतीय समाज में विविधताएं इतनी ज्यादा है कि कई बार वो विविधताएं वास्तव में कई बार फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, घर्षण में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए हमारी समाज में परिवर्तन की गति बहुत मुश्किल। और यही कारण है कि आज हमारे यहां, चाहे अगर हम बाल विवाह की समस्या हो, आज हमारे यहां जो है वो अगर जो है वो जिसे कहते हैं कि हत्याएं हो जाती हैं, जहां पर प्रेम विवाह कोई करता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, और तमाम इस तरह की ऐसी समस्याएं हैं जो अभी भी हम जो है मेडाइवल तरह के कल्चर में हम जकड़े हुए हैं। और कई बार उनकी जो सुरक्षा के लिए, उनकी जो बचाने के लिए जो है जो हत्याएं होती है उसको जस्टिफाई करने के लिए हम अपनी परंपराओं और अपनी रूढ़ियों की दुहाई देते हैं। तो वैसी कंडीशन में जैसे मैंने अभी पढ़ा कि एक दिन अभी एक लड़की ने जो है एक लड़के से शादी कर ली, 2 महीने बाद उसको लेकर आए, और रात में जो है वो भाई ने जो है वो बहनोई का गला काट के वो पुलिस स्टेशन चला गया और बहन की भी हत्या कर दी। तो ये हमारे समाज में ही हो रहा है, ठीक है। आपने 2 लोगों की जान ले ली सिर्फ आप अपने उस रूढ़ी, अपने दुहाई और इन सब चीजों के नाते। तो हम जो बहुत लॉजिकल नहीं हो रहे हैं, हम बहुत ज्यादा उस पर जो है वो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम जकड़े हुए हैं, हम अपनी पहचानों के साथ जकड़े हुए हैं कि हमारा समाज क्या कहेगा। क्लियर? आ जाइए, तो अब हम पहुंचते हैं और सोशल इश्यूज के सिलेबस को जस्टिफाई करते हैं कि हमारे पास क्या क्या पॉइंट पढ़ना है। समझ में आ गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है, और हमें सारे सेगमेंट जो है अब हमें देखना है कि ये लेयर्स ऑफ फ्रिक्शंस क्या है, ये जो घर्षण के बिंदु है वो हमें कहां कहां मिल रहे हैं। पहला सोशल इश्यूज में लिखते जाओ मेरे साथ तेजी से।
मुशैद ने कहा है करप्शन क्यों है, क्या मजबूरी है। एक्चुअली हम सोशल इश्यूज में हम जब पहुंचेंगे एथिक्स में तो इसको बहुत डील्स बहुत जो है डीलिंग के साथ इसको पढ़ेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि यूपीएससी के हर स्टूडेंट को सोशल इश्यूज की पढ़ाई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप समाज को नहीं समझोगे तब तक आगे चलकर अपनी आवश्यकताओं को आप नहीं समझ पाओगे। भूगोल क्यों पढ़ रहे हो, इतिहास क्यों पढ़ रहे हो, अर्थव्यवस्था क्यों पढ़ रहे हो, तो समाज के बारे में एक बेसिक जानकारी हर समय आपके पास होनी चाहिए। जैसे इसीलिए मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आपको ज्योग्राफी में ले जाने से पहले, जैसा हमारा कॉन्सेप्टर बैच चल रहा है और जो भी बच्चे उसके साथ जोड़ना चाहें वो कॉन्सेप्टर बैच के साथ जोड़ सकते हैं, फाउंडेशन के साथ जोड़ सकते हैं, तो जो भी हमारे बच्चे हैं वो इसके साथ जो है जुड़कर आगे जा सकते हैं। तो हम यहां कोशिश कर रहे हैं कि सोशल इश्यूज में इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, सबसे पहले लिखो, तो समाज को आप समझने आप शुरुआत करिए। हमारे समाज में बहुत से परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं आज की डेट में। अगर हमारे समाज में कुछ भी आज बातें हो रही है, जैसे रावत ने कहा कि वो नग्नता की बात हो रही, कोई कह रहा अभी जैसे एक यूपी के मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आया है आप लोग पढ़ेंगे कि उसमें बोला कि जो है वो बच्चों को छोड़कर लड़की और लड़कियों किसी को निक्कर नहीं पहनना चाहिए, आप देख रहे हैं। और एक तरफ अभी क्या होगा, कल पोस्ट लगा देगा कोई निक्कर पहने हुए, कोई फलाना करते हुए, आप देख रहे हैं हमारे समाज में बहुत ही अलग तरह का एक विद्रोह नजर आ रहा है। इस विद्रोह में ये परिवर्तन हमारे यहां हुए क्यों? अभी किसी ने कहा कि सर हम अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को वापस स्थापित करना चाह रहे हैं, तो विस्थापित किसने किया, क्वेश्चन, उसको डिस्प्लेस किसने किया? तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि हमारे यहां ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम एक वैश्विक तंत्र का भाग है। लिखो, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, पॉजिटिव निगेटिव, ये हम बाद में देखेंगे। What is the meaning of globalization? भूमंडलीकरण का तात्पर्य क्या होता है? भूमंडलीकरण का तात्पर्य क्या होता है? Impact of globalization. भूमंडलीकरण के क्या प्रभाव हैं? भूमंडलीकरण के क्या प्रभाव हैं? नंबर वन, अर्थव्यवस्था पर, ऑन इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था पर। पॉलिटिकल, राजनीति पर। डेवलपमेंट एंड सोशियो कल्चरल, विकास पर और सामाजिक आर्थिक स्थिति पर, सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति पर, विकास पर और सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति पर। पॉजिटिव और निगेटिव, इसके धनात्मक, सकारात्मक और ऋणात्मक प्रभाव, सकारात्मक और ऋणात्मक प्रभाव। क्लियर? सोशल इश्यूज का पहला सेगमेंट होता है कि हम जब विश्व के साथ जुड़े हुए हैं तो हमारे ऊपर क्या नए प्रभाव हमें देखने को लगातार मिल रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये हमारा पहला पार्ट रहा। अब मैं आपसे बात करता हूं जो आपकी समस्याएं हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या किया, हम लोग कौन से बैच में हैं? हम लोग कॉन्सेप्टर बैच में हैं। कॉन्सेप्टर मैंने आपको बताया था कि दो चरणों का बैच है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अलग बैच है, इसको मैं डायरेक्टर्स बैच भी कहता हूं। इस बैच में अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी आपकी प्री प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं सिलेबस आपको समझा रहा हूं, मैं आपको लिंक कर रहा हूं।
आपको यह बता रहा हूं कि एक अधिकारी के तौर पर सोचते कैसे हैं, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आप कैसे जो है वो इसमें अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हैं। यहां के बाद मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे मैं आपको पहले सिलेबस के साथ फैमिलियर करूंगा, आपको सिलेबस की एक विहंगावलोकन पता चलेगा, और सिलेबस को रीड आउट नहीं करना, प्रिंट आउट नहीं लेना है कि मान लो प्रिंट आउट ले लें, आपने देखा होगा ये प्रिंट आउट आपके पास पहले भी होगा, लेकिन एक एक शब्द के अंदर जब सोसाइटी, कितनी बार आपका इंडियन सोसाइटी पढ़नी, इंडियन सोसाइटी पढ़नी है, लेकिन सोसाइटी क्या होती है, भारतीय समाज की कैरेक्टर क्या होंगे, आज आपने देखा होगा कि यार मैं अब इसके बारे में बात कर सकता हूं, आज की डेट में अगर आपने ये फैक्ट पकड़े होंगे तो आप किसी सीनियर से भी डिस्कशन कर सकते हैं, प्लीज डिफाइन मी जो है वो क्या हो सकता है कि आप इंडियन सोसाइटी के बारे में बताएं, सेंटर ऑफ इंक्लूजन क्या होता है, यानी कि जो है समावेशन बिंदु किसे कहते हैं, मल्टी लेयर सोसाइटीज क्या होती है, हमारे समाज में इतने फ्रिक्शन क्यों है, आज आप इसका जवाब दे सकते हैं, और फ्रिक्शन आपको कहां से सबसे ज्यादा आता है इसके बारे में अभी आप बात कर सकते हैं। तो अब आपने देखा कि किसी चीज को पढ़ना, जो मैं यहां स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं, वो पहले मैं आपके प्री कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर रहा हूं, क्योंकि एक बार नींव खराब हो गई तो बिल्डिंग का तो खराब होना तय है। मैं यहां आपकी नींव का फॉर्मेशन कर रहा हूं कि किस तरह से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। यू मस्ट हैव द पेशेंस विद मी, क्योंकि ये वैसे भी 2 साल का कोर्स है, तो यहां पर हम बहुत सी चीजों को बहुत डेप्थ में समझेंगे। ये बेसिकली जीरो से हीरो का बैच है। कौन सा बैच है? जीरो टू हीरो बैच। ये बैच उनके लिए जो ये कहते हैं, सर मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सब्जेक्ट का नाम बताओ, तुम्हें लगता है सबसे टफ है मेरा, ठीक है। अभी जैसे किसी बच्चे ने लिखा इकोनॉमिक्स मुझे बहुत टफ लगती है, आओ मेरे साथ इकोनॉमिक्स में, तुम्हें कहानियों के साथ इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ाई जाती है मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। कार्टून के साथ इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ाई जाती है मैं तुम्हें बताऊंगा। तो ऐसी कंडीशन में पढ़ाई का तो डर ही नहीं है हमारे पहले, लेकिन सवाल है कि तुम्हारा मन इन चीजों को सही रूप से ग्रहण करने योग्य। मैं कोई ऐसा चीज नहीं कि मैं तुम्हें नया नाम लिया, फिजिकल ज्योग्राफी तुमने पहली बार, हाय तौबा मैंने पहली बार जो फिजिकल ज्योग्राफी का नाम सुना, या मैंने जियोमॉर्फोलॉजी का नाम सुना, या मैंने जो है वो मेसो ज्योग्राफी का नाम पहली बार सुना, या मैंने समाज नाम सोसाइटी पहली बार सुना, ये शब्द आपने सुने हुए थे, सुने तो थे समझे नहीं थे। और यहां ओजांग क्या कर रहा है, उसको आपको ये बता रहा है कि किसी चीज को सुनना, किसी चीज को जानना और किसी चीज को समझना तीनों अलग अलग बातें होती है। हम जानने तक रुक जाते हैं, समझने तक नहीं जाते हैं। और हमारी शिक्षा पद्धति जल्दी जल्दी सिलेबस करो, जल्दी जल्दी ये बैच खत्म, चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, 5 साल में सरकारी नौकरी प्राप्त करें, आगे बढ़िए आगे बढ़िए, ये वाला सिस्टम नहीं है। आपको समझने के लिए धैर्य चाहिए होता है, उसके साथ रुकना पड़ेगा, उसका डिसेक्शन करना पड़ेगा, उसका क्रॉस सेक्शन करके आप उसको जो है वो एनालाइज करेंगे। मैं लगातार आपके साथ ये सिखा रहा हूं। अगर आपने ध्यान दिया होगा, अभी तक हमने बहुत ही गूढ़ बातें जो सामान्य रूप से हम इस्तेमाल करते थे, मैंने उसके एक एक पॉइंट को तोड़ना शुरू किया के साथ। और अब मैं धीरे धीरे अपने, आपने देखा होगा हर दिन मेरा डिस्कशन गहरा होता चला जा रहा है। यही सेगमेंट है, यही कॉन्सेप्ट है बैच जीरो टू हीरो, जहां मैं कितनी आसानी से आपको एक बहुत ही गहरे डेप्थ में उतार दूंगा, एक गहरे नॉलेज में उतार दूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब यात्रा करते 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 आपके पास जो है वो नॉलेज का भंडार आ गया। ऐसी नॉलेज जहां आप किसी विद्वान के साथ डिबेट कर सकते हैं, उसको तर्क दे सकते हैं, और ऐसे तर्क जिसको काटा नहीं जा सकता, या जिस पर सामने वाला कहे यस ये पर्सन लर्न है, इसको बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं लगातार वही प्रयास कर रहा हूं। और इसके लिए मुझे खूब मेहनत करनी पड़ी, मैं उसके लिए कोई भी मुझे दिक्कत नहीं है, पर जो मैं आपसे कहता जा रहा हूं उस पर अब आपको अपनी टिप्पणी करनी है, आपको इसका साइनॉप्सिस बनाना है, इसके पॉइंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वो आपको लगातार लिखने पड़ेंगे। धीरे धीरे मेरी क्लासेस की लेंथ बढ़ती चली जाएगी, नंबर वन डेप्थ आपने बढ़ता चला, कहां आपने देखा होगा पहले हमने बेसिक शुरू किया, बेसिक से करते 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 अब हम जो है इन डेप्थ एनालिसिस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। क्लियर है? सो बी द पार्ट ऑफ दिस मिशन, दिस कॉन्सेप्टर इज ऑल अबाउट मिशन, जिसको अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आना है, कॉन्सेप्टर वही बैच है, ठीक है। और आप इसके साथ लगातार जोड़ सकते हैं, परिवार बहुत बड़ा होता चला जा रहा है, कॉन्सेप्टर की अवधारणा जो मैंने रखी थी वो बहुत बड़ी होती चली जा रही है। तो डेफिनेटली बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली, की हमें कॉन्सेप्टर में जाकर अपनी पर्सनैलिटी को हमेशा के लिए चेंज करना है। अब जैसे एक बच्चे ने पूछा कैसे पता चलेगा कि हमें समझ में आ गया, ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हें सिर्फ प्रश्न पूछने की आदत है, अपने प्रश्नों को एनालाइज करने की आदत नहीं है। जब हम किसी चीज को सामने वाले को बता ले जाए, याद रखना, ये मैं नहीं, अदापा कार्तिक कहते हैं जिन्होंने यूपीएससी टॉप किया था, कि टीचिंग इज अ डबल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अगर आपने किसी को कहा कि चलो मैं तुम्हें बताता हूं भारतीय समाज क्या होता है, भारतीय समाज एक बहुआयामी जो है वो मल्टी लेयर सोसाइटी होती है, और वहां हमारे फ्रिक्शन, अगर आपने उसको सामने वाले को किसी को ये बात बता दी तो मुझे आता है, मैं तुम्हें क्यों बता पा रहा हूं, मैं इसलिए बता पा रहा हूं कि मुझे उसकी जानकारी हो चुकी है, जानकारी हो चुकी इसलिए मैं तुम्हारे साथ अथॉरिटी के साथ उसके बारे में बात करने को तैयार हूं, बिना किसी कागज को देखे। आपने कभी मुझे बोलते समय क्या किसी कागज को पढ़ते हुए देखा है, या किसी बुकलेट को आपने देखता है कि मैं किसी पेपर को उठाकर आपके सामने, आज तक मुझे इसकी आवश्यकता नहीं
पड़ी है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप किसी को इस बारे में बता ले जाते हैं तो इसका मतलब है वो चीज आप आत्मसात कर चुके हैं। और आप उसको नहीं बता पाते हैं, अगर उसके कॉन्सेप्ट में आपको डाउट है, जिसका मतलब आपका ध्यान जो है वो क्लास में नहीं था, आपको अपने फंडामेंटल्स पे बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। क्लियर है? साइनॉप्सिस कैसे बनाएं? साइनॉप्सिस का मतलब होता है कि एक पेज उठाइए और मेरी पूरी क्लास को कम से कम शब्दों में लिंक करने की कोशिश करिए। क्लियर है? और सब लोग जुड़ जाएं तमिलनाडु के क्लासेस में, साथ भी आप जुड़ जाएं और इस यहां पर जो है वो अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने का प्रयास करें। सो दिस इज जीरो टू हीरो बैच, कॉन्सेप्टर बैच, और फाउंडेशन में मैं लेकर चल रहा हूं अपना एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के साथ। ठीक है, नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। राइट दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, एंड देन वी विल प्रिपेयर टू द नेक्स्ट लेवल। थैंक यू सो मच।